आप शायद भूल रही हैं सितारा जहां, नहीं अभी हमारी जवानी ढली है और नहीं अभी हमारा हुस्न। मैं साफिया को हर किस भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मोहब्बत पाई जाती है, छीनी नहीं जाते, और मैंने सावियार की मोहब्बत को पा लिया है। तेरे हिस्से की सारी खुशियां उठा के उस नूर की झोली में डाल दी। अभी भी अगर तुम चाहो तो सावियार तुम्हारा हो सकता है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो हमारे पेशे में सबसे बड़ा रिश्ता दौलत का होता है। इन्हें अंदर ले जाके कमरे में बंद कर दो। कहो। अरे नहीं नूर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको पक्का करो, पहले काले से आओ, देखो। हाँ देखा, कहो, कर सकती हो तुम। वाह, सावन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या छुपा रहे हो तुम? वो जी, मैं नूर जी का कमरा साफ कर रहा था ना जी, और नूर जी का दुपट्टे को तह लगा रहा था। अच्छा चलो ठीक है, कमरा तो वैसे का वैसे पड़ा है, जल्दी काम खत्म करो ना जी। और ये बताओ नूर कहाँ है? वो जी, ये वो जी क्या जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, नूर कहाँ है? वो जी वो छत पर है जी। छत पर? ये छत पर क्या कर रही है वो? ये उसी की आवाज आ रही है ना? नहीं जी। नहीं जी क्या? मुझे पता है, ये जरूर बब्बन मियाँ के पास गाना सीखने के लिए गई होगी। मैंने कितनी बार मना किया इस लड़की को कि मुझे गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर ये समझती नहीं है। आने दो उसे, इसकी तो ऐसी खबर लूंगी कि नानी याद आ जाएगी। सलमा जी, अल्लाह बख्शे, इसमें आपकी अम्मा गुलबहार बेगम का क्या कसूर? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। सलमा जी, नूर जी का तो बहुत दिल चाह रहा था जी, आपको पता है नूर जी कितना अच्छा गाती है। इसमें हर्जी क्या है जी? तुम तो अपना मुंह बंद रखो, तुम ही हर बात में ना उसका साथ देते हो। जाओ जाकर नूर को बुला के लाओ जी। जल्दी आना जी। मैं गया अभी। वली खान, ये औरत इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, ये तवायफ है, और तवायफ हमारे घर में नहीं रह सकती। आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना? निकालो इसे यहाँ से, निकालो। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं टूट जाऊंगी वली खान। वली, क्या हुआ, आप बैठे बैठे सो गए? चलिए छोड़, चाय पिए। बाबा जान कहाँ है? कहाँ होंगे, शिकार पर गए हैं, ये आने वाले होंगे। उनके साथ ही भी होगा। वली, कभी मेरे साथ भी कुछ वक्त गुजार लिया करें। हर वक्त या बाबा जान और ये आपका काम। वक्त तुम्हारे साथ, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने तुम्हारे साथ, ये क्या कम है? तो आपको अफसोस है इस बात का? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने। नूर, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने, मुझे ये गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा दिन इस घर में कैद रहती हूँ, दम घुटता है मेरा, मर जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे,
क्यों ऐसी बातें करके माँ का दम निकालती हो? इधर मैं हूं ना तुम्हारी माँ। हाँ इधर बैठो मेरे पास। बताओ बताओ क्या बात है, मुझसे करो बातें। आप सुनेंगी मेरी बात? हाँ सुनूंगी, बताओ क्या बात है। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दे अम्मी। तुमने सुना मलि, आज तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? वो सोचती है कि अगर उसका बाप जिंदा होता तो आज वो उसे आला तालीम दिलवाता, उसके नन्हे नन्हे ख्वाबों को ताबीर देता, लेकिन वो तो ये जानते ही नहीं कि उसका बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है। तुम तो तब हमें छोड़कर चले गए थे जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या कसूर था मेरा या मेरी बच्ची का? सिर्फ ये कि मुझे मेरी मजबूरियों ने इस कोठे पर लाकर बिठा दिया था। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, ना तहजीब है ना बड़ों का अदब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम दादा जी, खुशहाल है सब? अल्लाह, आज बड़ी देर लग गई बाबा जान। अरे जी ये इस मौसम में इन बे मौसम और बे इल्म शिकारियों को चेक न किया जाए ना तो ये तो हमारे परिंदों की नस्लें ही खत्म कर दे। वैसे भी हमारे जो दोस्त हजारों मील की उड़ान भर के उधर से साइबेरिया से हमारे मुल्क में उतरते थे वो भी हम लोगों से नाराज हो गए। तो आपने खुद कुछ शिकार नहीं किया आज? किया है ना, इन शिकारियों को शिकार किया और उनके शिकार को शिकार किया। इसको पका लेना वो रात में। जी बाबा जान। हाँ जी रिजल्ट का सुनाओ क्या? बाबा जान इतने कम मार्क्स लिए इसने, मुझे नहीं लगता इसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में होगा। फलीप आप क्या कह रहे हैं, आपको पता तो है कि बुशरा बीमार थी। आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें ना तो जिस कॉलेज में जावियार है उसमें इसका भी एडमिशन करवा दें। हो जाएगा ना जी बेटे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, जिधर हमारी बेटी बोलेगी उधर ही होगा। I love you दादा जान। देखा दादा जान ही सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, आप सब लोग बहुत बुरे हैं। बाबा जान मैं चलता हूँ, जमीनों के चक्कर भी लगाना है। हाँ वो रात को ले जाने का खेल। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम सलाम। भी तुम दोनों माँ बेटियाँ बिना बताए चली गईं, हर तरफ ढूंढ चुकी हूँ। किस खुशी में? अरे आप सब बातें छोड़िए, मिठाई खाइए मिठाई। हाँ मगर खुशखबरी तो बताओ मुझे। मेरा एडमिशन हो गया है खाला। और वो भी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। नूर तुम अंदर जाओ बेटा। सच कह रही है? तुम्हारी खामोशी मुझे इस बात का यकीन दिला रही है कि उसने जो कुछ कहा है वो सच है, तो इस पे हर्च ही क्या है? बस बहुत हो चुका, यानी अब सितारा जहां के कोठे पे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बातें हुआ करेंगी। अरे वाह, तो बस फिर तो हो चुका धंधा। मैंने कभी भी तुम्हारे किसी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं की और ना ही करूंगी। मैं तो बस अपनी बच्ची को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। पैरों पे तो वो तवाइफ बन के भी खड़ी हो सकती है। खबरदार खबरदार जो मेरी बच्ची के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसकी रगों में शरीफ खानदान का खून है। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। शरीफ खानदान, शरीफ खानदान, ये वही शरीफ खानदान है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था सिर्फ इसलिए कि तुम एक तवाइफ थी।
और अब तुम ये सारे तमाशे कर रही हो कि चलो तुम नहीं तो वली खान तुम्हारी बेटी को ही कबूल कर ले। ये तुम्हारी भूल है। नहीं ना, पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊं। चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं जाता हूँ। सावल, सावल, सावल तुम ठीक तो हो ना? सावल, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? I'm sorry. कैसे नहीं लगी? बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर सड़क पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं ना? आप गलत समझ रही हैं मुझे। I'm sorry. तो सॉरी कह के आपको एहसान नहीं कर रहे मुझ पर? और वैसे भी बड़ी सी गलती करके उसके बाद सॉरी कह देना बहुत आसान होता है आप लोगों के लिए। देखें, आप गलत समझ रही हैं मुझे। I'm sorry, गलती मेरी है, लेकिन ये भी तो सड़क के दरमियान में खड़े हुए थे तो मुझे पता नहीं चला। जी हाँ बिल्कुल, गलती हमारी ही है। हम सड़क के बीच में बात कर रहे थे ना। हद है वैसे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान हो? तो कैसे ठीक हो सावल, तुम्हें लगी है? अगर आप बुरा ना मनाए तो जहाँ जाना चाह रही है मैं आपको छोड़ सकता हूँ। हमें माफी रखिएगा, हम खुद चले जाएंगे। सावल चलो घर चलते हैं। जी आप जाइए ना, आपका यूनिवर्सिटी में पहला दिन आज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन जानिए, आप जाइए। तुम ठीक हो ना? खुदा हाफिज। कहाँ हो तुम, चले आओ। ये लीजिए बाबा जान। अरे किसी मुलाजिम को कह दिया तो? बाबा जान, आप तो जानते हैं ना कि आपका काम करके मुझे कितना सुकून मिलता है। जी तरह खुश रहो, अली खान बहुत खुशकिस्मत है उसके तुम जैसी। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वली को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। क्या कह रही हो? पता नहीं हर वक्त कहाँ खोए रहते हैं। ना ना ना, तुम गलतफहमी हुई है जी। नहीं बाबा जान, इस गलतफहमी में तो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बाबा जान, आप तो जानते होंगे ना वली को ऐसा कौन सा दुख है जो मैं नहीं जानती। बेटा जी, मैंने बोला ना गलत सहमी हुई है। वली खान शुरू से ऐसा है, खामोश तबीयत। वैसे भी अब माशाल्लाह तुम्हारा बेटी जवान हो रही है, उसकी फिक्र क्या करो। वली तुम्हारा तुम्हारा रहे, वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, मालिक हो, है क्या फिक्र का बात है। ठीक कह रहे हैं बाबा जान। क्या निदा का शक सही है? वली अभी तक माजी को भूल नहीं पाया। Excuse me, आप अपना ये रजिस्टर क्लास में बुलाएं। आप किसी का इंतजार कर रही हैं? मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ।
लगी तुम तुम्हें तो गोली लगी है। अब देखना सलमा जान, तुम्हारे इस सफर का बदला तुम्हारी बेटी को देना पड़ेगा। सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखने को तरस जाओगी। ये वादा है मुराद अली खान का। अब बस भी कर दीजिए ये सोग मनाना। वो चला गया है आपको हमारे रहमो करम पे छोड़ के। ऐसे क्या देख रही है? कुछ गलत तो नहीं कहा हमने? एक तो हमारे ही टुकड़ों पे पल रही है और हमारी ही रोजी पे लात भी मार रही है। बहुत सुन चुकी मैं तुम्हारी बकवास, बस करो अब। क्यों, क्या हुआ, बुरा लगा? अगर इतनी ही खुददार हैं तो चली क्यों नहीं जाती आप यहां से अपनी उस बेटी को लेके? ये कोठा हमारी वजह से चलता है और हम चाहें तो आपको यहां से खड़े खड़े बाहर निकलवा सकते हैं। चंदा, ये क्या कह रही हो? क्यों, क्या गलत कहा हमने? आप समझा लीजिए अपनी बहन को और इनकी उस बेटी को कि हमारे रास्ते में मत आए, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। वो जावियार। जावियार? क्या हुआ जावियार को? जावियार हॉस्पिटल में है चाचू, उसे गोली लगी है। क्या? अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्यों बिला वजह परेशान हो रही? कौन सा? ये? आजी। तुम इधर ही ठहरो, मैं आ रही हूँ। अम्मी? नूर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अरे अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगर जावियार नहीं होते तो पता नहीं। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम अब ठीक हो ना? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हूँ पहले से। जी दे रहा हूँ, चले बेटा। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज आंटी। मामा। हाँ बेटा। आपने बाबा से बात की मेरे बारे में? किस बारे में? मेरे और जावियार के बारे में। किस बारे में? तुम्हारे बाबा के पास तो मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। मामा कितनी गलत बात है ना ये, मैं इकलौती बेटी हूँ आप लोगों की और मेरी जिंदगी का फैसला है, आप लोगों के पास ही टाइम नहीं मेरे लिए। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी ताईजान से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान आप बहुत अच्छे वक्त पे आए, बैठिए ना। अच्छा क्या हो? वो बाबा जान मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। बोलो बोलो। बुशरा प्लीज अपने फोन की बेल बंद कर दो, मैं दादा जान से जरूरी बात कर रही हूँ। मामा लेकिन बाबा का फोन आ रहा है। वली का? लाओ दो। हेलो जी, क्या, कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आ रहे हैं। क्या हो गया, कौन अस्पताल? वो जावियार को गोली लग गई है। आप वहां खड़ी हो जाएं, सावल और मैं दवाई लेकर आ जाते हैं। अच्छा पर जल्दी आ जाना बेटा, अभी आते हैं। सलमा।
तुम? रुको, इस तरह नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहां नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने? क्यों क्यों ढूंढा? जब आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे तो फिर क्यों ढूंढा आपने? क्या मैं नहीं अपनाना चाहता था या तुमने? अब इन बातों का कोई फायदा? क्यों फायदा नहीं है? हमने प्यार किया, बीवी हो तुम मेरी। बीवी? कैसी बीवी? इस रिश्ते को तो अपना बनाकर भी अपनी जिंदगी में जगह ना दी आपने। बीवी? जी बाबा जान। इधर ही खड़े हो, अंदर सो आए क्या? बाबा जान मैं जाने वाला था। हाँ तो फिर इधर क्या कर रहे हो भाई? चलो जी आप चलें, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चलो जल्दी, जी जी जल्दी मैं आ रहा हूँ। आइए आइए मुराद साहब, हमने तो सोचा था कि आप सब तमाशे के बाद यहाँ का रुख नहीं करेंगे, मगर आप तो एक दिन भी नहीं रुक पाए। ये लो, क्या कीमत लेनी इस लड़की की, बोलो। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? अच्छी तरह जानती हूँ मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। देखिए मुराद साहब, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है ना कि सलमा जहाँ ये काम छोड़ चुकी है, वो कभी भी नहीं मानेगी कि वो अपनी बेटी को आपके हवाले करे किसी भी कीमत पर। इसका एक ही हल है। सुबह हो गई, अब तो आज तो मुराद ने बहुत देर कर दी। मुराद आप फिर? हट। पीछे हो जा। क्यों मुराद? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं आपकी बीवी हूं, आपकी बेटी की माँ हूं मैं। क्या सर पे बिठा उतरे? शक्ल देखी अपनी? उसे बेटी दे दी है। बेटी अल्लाह की रहमत होती है मुराद, अल्लाह करम करेगा तो बेटा भी हो जाएगा। और नहीं चाहिए तो औलाद मुझे, तो फिर बेटी दे देगी। मैंने उस औरत आगे से नहीं जाऊंगी मैं, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि कहां थे आप सारे रास्ते। सवाल करेंगी मुझसे? हाँ करूंगी मैं सवाल। आप सारी सारी रात घर नहीं आते और मुझे आपके खानदान वालों के सामने पर्दे डालने पड़ते हैं। झूठ बोल रही हो तू। क्या पर्दे डालती है? क्या पर्दे डालती है? ना जान पड़ते, चल निकल, चल चल। तो बोलना मुझे। नूरजी नूरजी क्या हुआ? आपका फोन किसका है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था, मैंने उठाया नहीं। अच्छा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अच्छा ठीक है, आप आराम से सुनिए, मैं जाता हूँ। हेलो हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। जी कौन बोल रहे हैं? मैं जावेद बात कर रहा हूँ। अरे आप, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है आपकी? कैसा हो सकता हूँ, आपने तो एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। मैंने सोचा खुद ही अपना हाल बता दूं आपको। हाँ तो बताइए ना। क्या? अपना हाल? आपको क्या फिक्र, आप तो एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। लेकिन मुझे तो पता चला था कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ना तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और कोई पूछने वाला ही नहीं था। क्यों, आपके घर में कोई नहीं है क्या? घर में तो सब मौजूद है मेरे, लेकिन वो नहीं जिसकी जरूरत है मुझे। और आपको किसकी जरूरत है? आप। वो
हाँ वो अम्मी बुला रही है, मैं बाद में कॉल करूंगी। नूर आप मिलने आएंगी ना मुझसे? मैं मिलने? मैं इंतजार करूंगा आपका। मेरी नजर में एक लड़का है, बहुत ऊंचे घराने का, हमारी नूर राज करेगी, राज। सच सच कह रही हो? कौन है वो? राहत अली खान। ये क्या कह रही हो? अरे तुम तो यूं परेशान हो रही हो जैसे किसी बिच्छू ने डंग मार लिया। बहुत अमीर है, घर बार है, पैसा है, और क्या चाहिए हमारी नूर को? इज्जत और मोहब्बत, जो इस रिश्ते की बुनियाद है। जाकर उस मुराद से कह दो मेरे जेते जी वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा भाई, हम तो तुम्हारा भला ही चाहते, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भला। ख्याल रखना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। खुदा हाफिज़ भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? अमीम, ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। नूर, नूरजहान नाम है इनका। कैसी हैं नूरा? अब आप कैसे हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ। अभी तो बहुत दर्द हो रहा था। रह गई है, इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। अल्लाह खैर करे। किसका इंतजार कर रही हो सलमा जहां? किसी का भी नहीं। नूर अभी लौट कर नहीं आई उस लड़के के घर से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी बेटी के लिए? वो ऐसी नहीं है। तो बुलाओ सावल को, उससे पूछो जो खुद उसे उस लड़के के घर छोड़कर आया है। अंकल बस आपका बहुत शुक्रिया, आप मैं चली जाऊंगी खुद ही। नहीं बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, बस पास में ही घर है, आपने ऑलरेडी बहुत जहमत की है मेरे लिए। अच्छा ठीक, खुदा हाफिज़। अच्छा सुनो बेटा, एक सवाल मेरे जहन में है। जी पूछिए। ये जावियर से तुम्हारी दोस्ती कब से है? हम दोस्त नहीं हैं अंकल। तो तुम तो उसका हाल पूछने उसके घर पहुंच गई थी। वो जावियार को मेरी वजह से गोली लग गई थी। क्या मतलब, तुम्हारी वजह से? मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी।
आ गई? किससे पूछ कर गई थी तुम? अम्मी वो मैंने ही सुझा पूछा मेरे तुमसे। तब बता क्यों गई थी? जावियार से मिलने। सलमा का नूर से क्या रिश्ता है? क्या वो उसकी बेटी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने तो मेरा बच्चा जाया करवा दिया था, फिर इस राज से पर्दा उठाना होगा। मुझे सलमा से किसी भी हाल में मिलना होगा, लेकिन अब मैं किस तरह उसके सामने जाऊंगा? मैंने तो उसे अपनाने से भी इनकार कर दिया था, क्या वो मुझे माफ करेगी? मैंने उनको भेजा था कि शगुफ्ता भाभी से जावियार और बुशरा के रिश्ते की बात करें। ये तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात। पापा जान, खुशी की बात तो तब होती ना जब वो बात करते। शगुफ्ता भाभी का अभी फोन आया था और वो बता रही थी कि वली ने उनसे कोई बात ही नहीं की। परेशान ना हो, बुशरा सिर्फ तुम्हारा बेटी नहीं है जी, बुशरा हमारा ही बेटी है। तुमको पता है हमको कितना अजीज है। बाकी जावियार का बात तो फिक्र नहीं करो, बाकी जावियार के साथ उसके रिश्ते का बात है, शादी का बात है, तुमका शादी उधर ही होगा बस। हेलो। हेलो नूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने इस वक्त फोन किया? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा फोन करना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं इस वक्त दरअसल अपने कमरे से बाहर खड़ा चांद को देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि शायद इस वक्त आप भी चांद को देख रहे होंगे। उसकी ठंडी ठंडी और खूबसूरत रोशनी आपके चेहरे को छूकर मुझ तक आ रही है। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, सूरज के सिवा क्या है। सलमा, आप यहां क्या लेने आए? चले जाइए यहां से। क्यों आए आप यहां पर? मैं जानता हूं सलमा, जो कुछ भी हुआ आप बुरा हुआ, मगर उसमें तुम्हारा भी कसूर था। हाँ वली सुल्तान खान, कसूर तो मेरा था और कसूर मेरा है, क्योंकि औरत जो हूं मैं। और आप तो मर्द हो ना, आपका कसूर कैसे हो सकता है? क्योंकि मर्द तो अपनी अना की खातिर रिश्ते भी कुर्बान कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुर्बान नहीं किया, तुमने किया। मैंने कुर्बान किया? आपको क्या पता कि
एक रिश्ता निभाने की खातिर कैसी कैसी कुर्बानी दी है मैंने। सलमा मेरी बात सुन लो, पहले इस तरह नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नूर? आप यहाँ खैरियत से? जावियार ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। नूर वली को कैसे जानती है? जावियार का वली के साथ क्या रिश्ता है? जावियार कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, बहुत बेहतर। नाराज होना मुझसे? मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ? मैं इतनी बुरी जो हूँ तुमसे मिलने भी नहीं आई। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता बुशरा। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं और तुम जिस रिश्ते में बनने जा रहे हैं उसके बाद तो हमें एक दूसरे की हर बात से फर्क पड़ना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? सच कह रही हूँ मैं, हम दोनों सिर्फ कजन्स हैं और इसके अलावा हम दोनों के दरमियान कोई और ताल्लुक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे बड़ों का फैसला है। नूर आपको देखकर बहुत खुश हुई है। ये नूर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बेटी है वो मेरी। बेटी? कैसे मुमकिन है? मैंने तो तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी ना, यही कहना चाह रही। हमने सलमा जहां नूर को इतने सालों इसलिए पाला कि एक दिन वली खान आए उन दोनों को यहां से ले जाए। हमने उन दोनों पे जो खर्चा किया है हम उसे सूद समेत वसूल करेंगे। लेकिन वो नूर आपके काम की नहीं है। तुम क्या जानो नूर कितने काम की है। खैर वक्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। एक आपका नाम ही तो है जो आज तक मेरे साथ है। तो फिर ये नूर? आपकी बेटी है, आपका खून। तुमने तो मेरी औलाद को पैदा होते ही, इसीलिए तो मैंने तुमको, इसीलिए आपने मुझे छोड़ दिया और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। क्या अपनी मोहब्बत पर इतना भी एतबार नहीं था आपको? चाय लगा दी है मैंने, आप लोग आ जाइए। अंकल, अम्मी, अंकल चाय पी करने गए, चले गए ऐसे? पता नहीं बेटा। क्या हुआ? वली खान चला ही गया ना? आपकी बात हुई सलमा जहां से, क्या बताया? क्या क्या बातें हुई इन दोनों के दरमियान? क्या वो इन दोनों को लेने आएगा? सलमा बड़ी घुन्नी है, इतनी आसानी से कहां वो कुछ बताती है। तो आप पूछे ना सलमा जहां से, क्या पता वली खान इन दोनों को फिर लेने आए। हमें उसके यहां आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस हमें तो ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं वो सलमा और नूर को यहां से ले ना जाए।
जब वो पहले इन्हें नहीं लेके गया तो अब क्यों लेके जाएगा? क्या अब उसका बाप मान जाएगा? पहले की बात और थी। पहले वो ये नहीं जानता था कि सलमा के पास उसकी औलाद है, उसकी बेटी नूर। दुनिया के काम भुलाकर यहां चुप साध के बैठे हुए। वली, वली, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि इतनी रात गया पाए हैं? मैं हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जी, मुझे तो कुछ भी बताना जरूरी नहीं। मुझे तो यह भी बताना जरूरी नहीं है कि कल आप शगुफ्ता भाभी के घर गए थे और वहां एक दफा भी आपने जावियार और बुशरा के रिश्ते की बात नहीं की। जबरदस्ती से बांधे गए रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जावियार बुशरा से शादी नहीं करना चाहता। बताएं अम्मी, क्या ये सच है? हाँ। हाँ, ये सच है। इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया? मेरे वालिद जिंदा हैं, इसी शहर में मौजूद हैं, और आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। क्यों किया आपने ऐसा? नहीं, मैंने, बेटा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं मजबूर थी बेटा, कुछ ना कह सकी। मैं बताना चाहती थी लेकिन मजबूरी थी मेरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी अम्मी? मेरे अब्बू जिंदा है और आपने मुझे यतीमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, और वो, उनको एक दिन भी मेरी याद नहीं आई कि उनकी औलाद हूं मैं, या फिर उन्होंने मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया, या फिर मैं उनकी नाजायज औलाद हूं। बस इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोल। तुम नाजायज नहीं हो, इसे तो उनकी, उनका खून हो। अरे, मेरी बरसों की रियाजत को इस तरह से मिट्टी में तो मत मिलाओ तुम। क्यों नहीं मिलाओ अम्मी? इज्जत नफ्स मट्टी में मिल गया। क्यों किया आपने ऐसा? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है मेरी जान, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन बस बता नहीं सकी। नहीं बेटा, हाथ मत लगाए मुझे। मैं बताना चाहती थी, मजबूर हो गई ना, अब क्या कर सकती थी मैं उसको। वो अपने मुझसे मेरी शनाख्त, मेरी पहचान सब छीन लिया, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नूर, नूर मेरी बात सुनो बेटा, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नूर, अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? हम दोनों जा रहे हैं, पर जल्दी करो जी। हम दोनों? लेकिन कहाँ और क्यों? बाद में बताऊंगी बेटा, अभी टाइम नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? नूर, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके ना तो फिर कभी नहीं जा सकेंगे। जल्दी करो, चलो जल्दी करो।
चलो चलो। जब तक मुराद अली नहीं आता ये कमरे में बंद रहे। नहीं सितारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ दे, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो हमें। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। और सुनो, ये दरवाजा बंद रहना चाहिए जब तक कि मुराद अली नहीं पहुंच जाता, समझे? बहुत एहतियात से, गलती की गुंजाइश नहीं है, समझे? मामा, जावियर क्या बात करने आया था बाबा से? मुझे क्या पता? आपने पता क्यों नहीं कराया? तुम्हारे बाबा ने मुझे चाय बनाने भिजवा दिया था। मुझे तो लगता है कोई बहुत बहुत सीरियस बात है। मैं भी पता चला कर ही रहूंगी कि खिचड़ी क्या पक रही है। और सुनो, मैं कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ, तब तक इन पर नजर रखो और कोई गलती ना हो। क्या है? इतनी देर से तुम यहां बैठे हो, ना कुछ खाया है ना पिया है। तुम्हारे लिए जूस लेकर आया था। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें मेरे इतना ख्याल क्यों आ रहा है? लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे साथी जरा दूर चले गए, आते आते आएंगे। सोचा तुम्हारे लिए जूस ही ले आऊं, तुम्हें पूछ ही लूं कुछ। अच्छा ये बताओ, जूस कौन सा है? अनार का जूस है, स्पेशल तुम्हारे लिए। लो पियो। ये मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? वैसे ही तुम्हारी तबीयत खराब होगी। जल्दी करें, जल्दी, बड़ी मुश्किल से बेहोशी की दवाई देकर आया हूँ, कमबख्त कहीं जा ही ना जाए। हाँ चले अम्मी, क्या कर रही हैं? सावल, अगर मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहते तो मेरी बच्ची को इस पते पर पहुंचा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, आप चले मेरे साथ। नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा, तुम चली जाओ। अम्मी मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चले जाओ बस, वो तुम्हारे पीछे है। जल्दी करें, आना चाहिए। जाऊंगी, एक मिनट। पर अम्मी आप भी तो साथ चले ना। बस सामान से ले जाओ, तुम्हें मेरी कसम, और कुछ नहीं बोलोगी तुम। मेरी बच्ची, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, कहना करो, बस तुम चले जाओ। लेकिन अम्मी। चले जाओ बच्ची, जा जा मेरी बच्ची, जा जा सामान ले जाओ, जल्दी कर। ये आपको किससे मिलना है? ये वली खान का घर है जी। ये खत उन्हें दे दे जाकर। जी आप अंदर आ जाएं, मैं मिलकर आऊं। क्या बात है, शुक्र इधर कैसे आ गए? जी जनाब, बाहर लड़की आई है। लड़की? वली साहब का पूछ रही थी और वली साहब से मिलना चाहती है। मुझसे? नाम बताया उसने? लाओ दो। वली खान,
मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास भेज रही हूँ। नूर तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून, उसके सर पर हाथ रख देना अगर तुम ऐसा ना कर सको तो बेशक उसे जहर देकर वही मार देना, क्योंकि अब मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, फैसला तुम्हारे हाथ में। आओ बेटा आओ आओ, तुम ठीक तो हो ना? जी। किसके साथ आई हो? मैं अकेली आई हूं। आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आओ। वली खान, वली खान, बच्ची कौन है? ओ, बाबा मेरे दोस्त की बेटी है। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने इतनी रात गए अपनी बेटी को अकेले भेज दिया? बाबा वो मेरे दोस्त का कार एक्सीडेंट में वो इंतकाल हो गया, तो अब इस बेचारी के पास कोई जगह नहीं है रहने की, तो मेरे पास चली आई। तो उसकी माँ क्या कर रही? वो तो इसके पैदा होते ही फौत हो गई थी। अब इस बेचारी का मेरे अलावा कोई है नहीं। आपके अलावा? बोली आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसको मैं न जानती हूँ। ये लड़की अचानक यहाँ, कि इसका कोई और रिश्तेदार नहीं है क्या? अब नहीं है तो यहाँ आई है ना। बाबा जान, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, अब इसको ब्यास तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। इसे रख, ठीक है बच्चे, इधर आओ, विवेक करो, जो तुम्हारा घर है इधर आओ। बेटा आओ। लड़की चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर। आप फिक्र क्यों करते हैं, हम ढूंढ लेंगे ना नूर को। ये सितारा जहां का आपसे वादा है। अरे कहां चल दिए मुराद जी? जान बेगम कब से आपकी राह में पलके बिछाए बैठी है। मूड खराब हो गया मेरा, किसी से नहीं मिलना। रुकी तो सर, मिल लेते तो दिल बहल जाता आपका। यकीन कीजिए लड़की, बात सुनो। जी। क्या नाम है तुम्हारा? नूर। तुम्हारी माँ का? मेरा मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम? क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं, बस इसे बातचीत कर रहे थे। बहुत चुप चुप रहती है ना, तो मैंने सोचा कल को ये ना कहे कि इस घर में मेरा दिल ही नहीं लगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसका दिल बहलाने की। नूरजान बेटा आओ मेरे साथ, एक जरूरी बात करनी है। आओ। ये कोठा है चांद बेगम, और तुम तो वाइफ, तुमसे पहले भी कोई थी और तुम्हारे बाद भी कोई होगी, मत भुला करो।
मैं जानता हूं तुम उससे नाराज हो। नाराज? मेरा आपसे ऐसा कौन सा रिश्ता है कि मैं आपसे नाराज हूं? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जानता हूं हमारे दरमियान फासले रहे हैं, आखिर अभी तो तुम मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ रहोगी तुम। और फासले कभी भी रिश्ते अलग नहीं कर सकते और नजदीकियां कभी रिश्ते बना नहीं सकती। आपने कभी नहीं सोचा कि हमने इतने साल कैसे गुजारे आपके बगैर? मजबूर था मैं। मजबूर? कैसी मजबूरी थी आपकी? कब तक तुम यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? कोई काम कर लोगी तो एहसान तो नहीं होगा ना? अब चाहो कोई और भी तो काम करना है। ये देखो बाहर दरवाजे पे कौन है? बताओ ना, तुम तो जानते हो कि आजकल हालात कितने खराब हैं, और किसी जवान लड़की को इस सज की जिम्मेदारी लेना भाई बहुत मुश्किल है। पर क्या करूं, मजबूर हूं। क्या मुझे चाची को भी बताना चाहिए कि मैं नूर को जानता हूं? नहीं अभी नहीं, कहीं वो नूर के लिए कोई और मुश्किल खड़ी ना कर दे। लेकिन वली चाचा नूर को कैसे जानते हैं? उनके दोस्त की बेटी। साफियार, नूर, तुम यहां पर कैसे हो? चची ने आपको बता तो दिया है। देखो मेरी तुम्हारी वालदा से मुलाकात हुई थी ना, उन्होंने तुम्हें यहां पर आने कैसे दिया? और ये सब क्या है? तुम चचा उनसे बात करो। मजबूर हूँ, और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। नूर, ऐसी कौन सी मजबूरी, मुझे बताओ, मैं चचा उनसे बात करूँ? खुदा के लिए उनसे कुछ मत कहिएगा। अगर तुम चचा उनके दोस्त की बेटी हो तो फिर मेहमान हो तुम यहाँ पर, ये सब। मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। जावियार, तुम अभी तक यहाँ हो और मुझे पता नहीं? हाँ वो मैं बस दादा जान से मिलके जाने ही वाला था। और तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? वो अम्मी ढूंढ रही है तुम्हें, अंदर जाओ, हाजिरी दो उन्हें। तुम कहाँ जा रहे हो? देर हो रही है मुझे, कुछ देर तो मेरे साथ भी गुजार लो।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक दोस्त ले आया था वली चाचा। मैं तो आता नहीं इसी जगह पे, पहली दफा आया हूँ। तो दोस्त मेहमान आया था, जिद करके ले आया, जबरदस्ती आना पड़ा मुझे। आप इधर कैसे चाचा? वो तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने बाहर, तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मेरा ख्याल है मुझे निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि सितारा जहाँ वली चाचा के सामने मेरा पोल खोल दे। अच्छा मैं चलता हूँ, काम है। हाफिज। अरे वली खान, आज आपकी नजरे करम हमारे कोठे पर कैसे कैसे रास्ता भूल गए आज आप? वो मैं सलमा से मिलने आया था। मुराद अली खान को कैसे जानते हैं? मुझे सितारा को कोई बात नहीं बतानी चाहिए, ये कहीं मुराद को मेरे और सलमा के बारे में कुछ ना बता दे। कहाँ खो गए आप? कौन मुराद? मैं किसी मुराद को नहीं जानता। वली, आप यहाँ कब आए? ये सलमा जहां, क्या हुआ? तुम तो यूं घबरा रही हो जैसे जैसे तुम्हारे शौहर नामदार किसी गैर के साथ खड़े। आइए। सलमा, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं, तुमने हमारी बेटी को बहुत अच्छी तरबियत दी, इस माहौल में उसे पाला पोसा, तालीम दी, मगर इस बदनामी से उसे बचाए रखा। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो बस मेरी बच्ची को वो जिंदगी दे दे जिसके लिए उसकी माँ सारी जिंदगी तरसती रही। मेहनत का फल बख्शते बस मुझे। मैं वादा करता हूं तुमसे, नूर को हर वो खुशी दूंगा जिसकी हकदार वली खान की बेटी है। मैं तो इस कदर खुश हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। भाभी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। बुशरा बेटी आओ ना, इधर मेरे पास बैठो। हाँ आओ बुशरा, बैठो ना। अभी तुम्हारी ताईजा नहीं है, तुम्हारी होने वाली अम्मी है। थैंक यू। अरे तुम यहाँ बेटा? बाबा जान, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि बुशरा मेरी बेटी बनकर मेरे घर आ जाए। बस अब मैं आपका मुंह मिठा करवाती हूँ। क्यों के लिए बेटा? वो मुझे याद आया, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट फोन करना था।
ऐसी क्या जरूरी कॉल है बेटा, बाद में कर लेना। थोड़ी देर में जी भाभी पता करें मिठाई क्यों नहीं आई अभी तक। अभी आ जाती है, आप भी मेरी तरह बेचैन। नूर क्या हुआ तुम, रो क्यों रही? नहीं तो मुझे भला क्या जरूरत है रोने की। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। इधर देखो क्या हुआ? सावियार किसी ने देख लिया तो आप प्लीज अंदर जाएं। सब लोग आपकी राह तक रहे, आज आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी तो यहाँ है। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, आपके घर वालों ने आपका रिश्ता बुशरा से तय कर दिया है। अच्छा, तो इस वजह से तुम इतनी दुखी हो? मैं भला क्यों दुखी होंगी? तो फिर ये आंसू किस खुशी में बहाए जा रहे? मैं हंसू या रो किसी को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है नूर, फर्क मुझे पड़ता है। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। आपका मुझसे नाता ही क्या है? तुम नहीं जानते दिल का नाता है नूर, मेरा और तुम्हारा। सावियार अंदर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो। मेरा फोन आ गया था तो मैं अटेंड करते करते बाहर आ गया। तुम्हें कोई काम नहीं आज घर में? बुशरा ये नौकर नहीं है इस घर की, बाकी मुलाजिम कहाँ मर गए हैं? वाह भाई, तुम्हें बड़ी हमदर्दी जाग रही है इसके लिए। अंदर आ जाओ, तुम्हें सब बुला रहे हैं। सावियार प्लीज, मैं मजीद तमाशा नहीं बनना चाहती। अरे मुराद जी, इस सब में इस बेचारे कांच का क्या कसूर? मुराद अली खान इतनी बड़ी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़की निकल गई मेरे हाथ से, जमीन निकल गई है, आसमान खा गया, समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ मुराद जी? तुम तो बात ही मत करो मुझसे, छोटा सा काम नहीं कर सकी। आप तो नाराजी हो गए हमसे। नाराज नहीं हो तो क्या करूं? लड़की नहीं संभाली गई तुमसे। मुराद जी, आप हमारे कोठे पे आके किसी और का जिक्र हमारे सामने बार बार करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं। ये चांद बेगम की तौहीन। अगर हम आपसे मोहब्बत ना करते तो क्या करती? हाँ निकाल देते इस कोठे से। हाँ अरे नहीं मुराद जी, आप तो बुरा ही मना गए। चांद बेगम के कहने का ये मतलब जो भी मतलब था इसके कहने का। एक बात काम करो, सुन लो, मुझे वो लड़की चाहिए हर कीमत पर। वो यहाँ से जा चुकी है मुराद साहब, और जो चले जाते हैं
कभी लौटा नहीं करते। ठीक है, मैं भी जा रहा हूं इस कोठे से। तब तक नहीं आऊंगा जब तक वो लड़की नहीं आएगी, समझे? मामा, आप इसे निकाल क्यों नहीं देती यहां से? आपको पता है ये आज भी जावियार के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी। देखो, मैंने शगुफ्ता से पूछा था, वो बता रही थी कि ये उसके साथ यूनिवर्सिटी में थी। क्या? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने शगुफ्ता भाभी से पूछा कि इनकी दोस्ती कितनी पुरानी है, तो उसने बताया कि चंद दिन से वाकफियत है, तो मैं मुतमईन हो गई। तो अब मैं समझी कि ये और जावियार हर वक्त खड़े होकर बातें क्या कर रहे होते हैं। मुझे बताओ, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती? क्या क्या कह रहे हो? मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो जैसे मैं करता हूं? मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, बताओ। शायद भूल गए हैं, आपके घर वालों ने आपकी रजामंदी के साथ आपका रिश्ता तय किया है बुशरा के साथ। अब उसका नाम आपके नाम के साथ जुड़ चुका है। ये सब बातें अब बेमायने हैं। लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बेमायने है। जिस रिश्ते पे चलने को दिल ही ना माने, उस पे चल के मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। नूर, ये दिलों के बंधन होते हैं, और तुम जानती हो कि मेरा दिल कहाँ है, मेरे दिल में कौन है। तुम एक बार मुझे बता दो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरा यकीन करो, अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ नूर, तो मैं पलट कर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ, तो हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारी खामोशी का मतलब नहीं तो नहीं,
ठीक है नूर। मैं चला जाता हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा। जावियर, मैंने ना भी तो नहीं कहा। ये आपने देखे इस लड़की के करतूत? मुझे पहले पता था ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। तुम चुप रहो, यार से बात कर रहा हूं। बोलो क्यों मिलने आए थे नूर से? दादाजान मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो जावियर, होश में तो हो? तुम्हारी मंगनी बुशरा से तय हो चुकी है। बाबा जान देख रहे हैं आप? देख रहे हैं लड़का क्या कह रहा है? दादाजान ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुझसे, प्लीज। सलमा जी, आगे तुम कहाँ थे? मैं कहीं नहीं था, यहीं था। आप सो रही थी ना, मैं सोचा आपकी नींद खराब ना करूं तो इसलिए बाहर ही था। अरे ये आपको तो अभी तक बुखार है। ये इस मौसमी बुखार ना जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे करते हैं डॉक्टर को भी आगे दिखाते। कोई जरूरत नहीं, दवाई खाइए ना, भी ठीक हो जाऊंगी मैं। मैं जानता हूँ ये कोई मौसमी बुखार नहीं है, ये वो गम है जो आपने अपने दिल पर लगा लिए। सलमा जी वो वहां बहुत ही खुश होंगी। आपको याद है ना कि अपने अब्बू को याद करके वो कितना उदास रहती थी, याद है ना? बस आपने ऐसे ही मुस्कुराती रह कर, अगर नूर जी को पता चल गया ना कि आप रोती रहती हैं तो मेरी जान ले लेगी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने उस बाप के पास जिसे तुम्हें पैदा करके फेंक दिया है। रुको, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। आपने सुना नहीं, बाबा जान ने कहा है ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। यही रहेगी, ये इसी घर में, क्योंकि इस घर पर इसका उतना ही हक है जितना बुशरा का। वली खान क्या कहना चाह रहे हो? बाबा जान, मैंने आपसे बहुत बड़ा राज छुपाया है,
मगर अब मैं ये सच्चाई मजीद नहीं छुपाऊंगा। ये लड़की नूरजहान इस घर की इज्जत है, खून है मेरा, ये मेरी बेटी है। मुराद क्या? वो अम्मी जान बहुत परेशान है। क्या वो जावियार अभी तक घर नहीं आया? आ जाएगा, किसी दोस्त में उसकी तरफ रुक गया होगा। वो इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता। तंज कर रही है मुझे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज जरा उसे फोन कर ले। तो तुम कर लो ना फोन, वैसे तो सारे दिन बातें करती हो, उसे फोन कर लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुराद आप? जावियार मेरे भाइयों की भाइयों की तरह है, भाई तो नहीं है ना। तो जाओ कर लूंगा फोन, शादी बन जाती हर बात पे। पता है आपको क्या कह रहे हैं आप? हाँ पता है मुझे, पहली बार सच कह रहा हूं। अगर तुम कहां यकीन करोगी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकते हैं आप? वली खान, तुम इस लड़की से जो भी रिश्ता जोड़ रहे हो या जो रिश्ता तुम्हारा इस लड़की के साथ है, फिर भी ये अब इस घर में नहीं रह सकती। माजरत चाहता हूं बाबा जान, लेकिन अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो आपका बेटा वली खान भी इस घर में नहीं रहेगा। आप यूं ही कह रहे हैं ना वली खान? आप यूं ही कह रहे हैं ना? कहां है इसकी माँ? कहां है वो डॉन जिसने मेरे हंसते बसते घर में जहर घोल दिया? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खुद को संभाले प्लीज। बीबी जी आपका फोन है। किसका फोन है? पता नहीं बीबी जी। हेलो, क्या हाल है जाने मन? अरे खामोश क्यों हो गई, नहीं पहचाना? मुराद अली खान, तुम्हारा आशिक बात कर रहा हूँ। हेलो, अब किधर जाओगी बच के? कैसे आना हो? हमने सुना है कि आपने अपनी तवाइफ बहू की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाने का फैसला कर लिया। क्या फजूल बातें कर रही हो? अरे आपको वली खान ने बताया नहीं? चले हम आपको बता देते हैं। आपको सलमा जहां तो याद होगी ना, हमारी बहन नूर सलमा जहां की बेटी है। ये कैसे हो सकता है? वली खान की औलाद तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी, यही कहना चाहते हैं ना आप? इस काम के पैसे दिए थे मैंने तुमको, याद है? याद है, याद है, सब याद है, लेकिन क्या करते, सलमा जहां ने हमारी बात ही नहीं मानी। मगर देख ले, हम अपने वादे से नहीं मुकरे। सलमा जहां को आपकी बेटी की जिंदगी से तो निकाल दिया ना। अब क्या चाहते हो? मतलब उस लड़की को अपने साथ वापस ले जाने की क्या कीमत लोगी? वाह बाबा जान वाह, कीमत, क्या
कीमत देंगे आप? मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी अना, इन सब चीजों की कीमत तो आप दे चुके हैं। अब एक बाप की अपनी बेटी से मोहब्बत की भी कीमत देंगे आप? खान, मैं पूछता हूं, मेरा कसूर क्या था? मेरा या मेरी बेटी का कसूर क्या था? हूं मैं मेरा वो, इस घर की इज्जत है वो। उस वक्त आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगेगा बाबा जान, जब इस घर की इज्जत उस कोठे पर मौजूद लोगों की नजरों का मरकज बनेगी, वहां पे मौजूद तमाशाई। बस अली खान, बस चुप हो जाओ। चिल्ला मैं भी सकता हूं बाबा जान, मगर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाती। मैं जिस अजाब में मुबतला हूं, जिस एहसास जुर्म में मुबतला हूं मैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखिएगा, अगर इस बार आपने मेरी बेटी को इस घर से निकाला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर हां, यह खुदकुशी नहीं होगी, कत्ल होगा। एक बाप के हाथों अपने बेटे का कत्ल। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। वैसे सुल्तान खान, जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम हाजिर हो जाएंगे। शर से शादी नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत सिर्फ नूर है और उसके बगैर नहीं रह सकता। कोई ये बात क्यों नहीं समझ कि मैं उषा के साथ खुश नहीं रह सकता? नूर भी तो मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है, क्या मैं उसे बीच में हार के छोड़ दूं? नहीं, मुझे दादा जान से बात करना होगी, चाहे वो मुझे जो भी सजा दे, लेकिन वो हम दोनों के साथ ही नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमारी खुशियों में हमें देना होगी। मुझे अभी दादा जान से बात करनी होगी। तुम्हें बुशरा के साथ ही शादी करना होगी। चचियन, मैं बुशरा को खुश नहीं रख सकूंगा। ये बहाने किसी और को सुनाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता, तुम क्यों गुजरा हुआ वक्त दोहराना चाहती हो? तुम क्यों चाहती हो कि सावियार और बुशरा वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे तुमने और मैंने गुजारी, एक समझौता करके? बाबा जान, सुना आपने वली और जावियार क्या कह रहे हैं? बुशरा और जावियार का रिश्ता आपने खुद तय किया था ना, बता देने। और आपके फैसले को इनकार करने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये फैसला तो मैंने ही किया था बुशरा और जावियार की शादी का, लेकिन लेकिन मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं चाहता हूँ जी के जावियार और नूर की शादी कर दी जाए। क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, इसलिए कि जो शादियां जबरदस्ती होती हैं वो ज्यादा देर पर नहीं होती है। क्या कैसे कह सकते हैं बाबा जान, आप तो खुद नूर के इतने खिलाफ थे, ये अचानक। ठीक है, आप भी तो अपने बेटे का ही साथ देंगे ना, अकेला छोड़ दिया ना मुझे और मेरी बेटी को। रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दिल में उनकी जगह हो।
आप वली खान के घर से। वली खान से क्या बात होगी, हम तो उससे भी बड़ा शेर मार आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी वहाँ मुलाकात वली खान के बाप से हुई, सुल्तान खान। हमें वहाँ देखकर हैरान रह गया। अब ये सुल्तान खान कहाँ से बीच में आ गए? ये वही सुल्तान खान है ना जिसके कहने पर हमने वली खान से झूठ बोला था कि सलमा ने अपना बच्चा पैदा होने से पहले ही मार डाला। इसी झूठ की वजह से तो सलमा और वली के रिश्ते में दरार पड़ी थी। ओह, तो तभी वली खान ने कभी पलट के सलमा जहां का हाल नहीं पूछा? और नहीं तो क्या, वरना वो तो सलमा जहां के इश्क में दीवाना हो रहा था। लेकिन खैर, हमारे इस झूठ की वजह से सुल्तान खान को उसका बेटा वापस मिल गया। आपने सलमा जहां को कुछ बताया? हम क्यों बताएंगे उसे कुछ भी, रो का दिमाग खा लेगी हमारा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं मुझे, सब सुन चुकी हूं मैं। मेरी गलती थी, मैं ही पागल थी जो तुम पर एतबार कर बैठी और ये भूल गई कि तुम मेरी बहन नहीं, एक नागिन हो। नागिन, नागिन तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। नूर तो मेरी बेटी है, तुम उस पर तरस क्यों खाओगी? सलमा जहां, बस बस सितारा जहां, बस। नूर की माँ अभी जिंदा है। जो तुमने खेल खेलने थे ना, बस बहुत खेल चुकी, अब और नहीं। अब तुम्हारे हर वार का जवाब नूर की माँ देगी। सितारा जहां नूर की माँ देगी, ये सलमा जहां, समझी तुम? यहां कहते रहियो। आप यहां पर क्यों आए? चले जाए यहां से। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं और तुम क्या कह रही हो? उदास क्यों है इतने? जावेर ये होने वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा। तुम्हें पता है दादा जान ने मेरी और तुम्हारी बात पक्की कर दी और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, लगता है आपने दिन में भी ख्वाब देखना शुरू कर दी। सच है, ड्रामा क्वीन, ख्वाब नहीं है ये हकीकत है। बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। तुम्हें ना रोने का बहाना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए नूर। लेकिन जावेर, दादा जान मान कैसे गए? वो ना दादा जान को मुझ पे तरस आ गया था तो मेरे हक में फैसला दे दी। अच्छा छोड़े ना, कोई देख लेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम लाला। वालेकुम सलाम। कहाँ थे सारा दिन? वो मैं दादा जान से मिलने गया हुआ था। कल इतना कुछ हो गया वहाँ पे और तुम फिर भी वहाँ पहुँच गए? लाला, अब जो बात मैं आपको बताऊँगा ना, वो सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या हो गया सर? आपको पता है दादा जान मेरे और नूर के रिश्ते पे मान गए हैं और बहुत जल्द हमारी शादी भी करना चाहते हैं। लाला, खुशी नहीं हुई आपको? नहीं, बहुत हुई है खुशी, बहुत खुशी हुई है। लेकिन दादा जान माने कैसे? पता नहीं लाला, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना। खुश है ना आप? हाँ, मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अल्लाह मुबारक करे। हाँ, मैं जरा अम्मी जान और भाभी जान को बता दूँ, वेरी एक्साइटेड। हाँ हाँ, बताओ बताओ, शाबाश, खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी की बात है। आप यहाँ बैठ के पान खाइएगा और वहाँ क्या कुछ नहीं होगी, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ जिसकी सितारा जहाँ को खबर नहीं? आपकी उस नूर का रिश्ता तय हो गया है,
जावियर। तुम कौन हो? अगर बता दिया उसे कि तुम तवाइफ की बेटी हो तो थूकेगा भी। मेरी माँ तवाइफ नहीं है। तो क्या कह रही थी उस कोठे पर? मजबूरी थी हमारी। मजबूरी? वो तो ठीक है दादाजान, पर हम जानते ही नहीं वो कौन है, उसकी लड़की का माँ कौन है, खानदान कौन है, बस ऐसे ही। यारा मेरा ख्याल है हमारे लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि वली खान की औलाद है, हमारा खून है, हमारा खानदान। बाकी उसका माँ कौन है, क्या है, उसके साथ तुम्हारा क्या लेना देना है? फिर भी दादाजान लोग तो छोड़, सब ठीक हो गया, फिक्र मत करो। अल्लाह हाफिज़। चल अल्लाह सुबह खरी खैर। ये नूर और मुराद भाई इस तरह, आखिर वो इससे कहना क्या चाह रहे थे? कहीं वो नूर को जावियर से शादी के लिए मना तो नहीं कर रहे थे? हो सकता है, लेकिन इन्होंने नूर का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? तुमसे नहीं। मुराद? जी अम्मी जान। तुम्हारे दादा जान का फोन आया है। क्या कह रहे थे? हम सबको शाम को अपने घर बुलाया है।
क्या खैरियत तो है, इतनी जल्दी रात को क्यों बुला लिया? वो आज ही जावियर और नूर का निकाह करना चाहते हैं। क्या हो गया अम्मी जान, आप इतनी जल्दी निकाह कैसे हो सकता है? आप मना कर दें दादाजान को। लेकिन लाला, आपने तो कहा था कि दादाजान की बात को टाला नहीं जा सकता। दादाजान तो पागल हो गए हैं चाचा जान की मोहब्बत में, ऐसे अपनी इज्जत दांव पे थोड़ी लगाएंगे। पता नहीं कौन है, कहां से आई है। लेकिन लाला, आपने तो मेरा साथ देने का वादा किया था, और अब तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। बस इतनी जल्दी तो नहीं करनी चाहिए ना, बस पता कर लें कौन है, क्या खानदान है, कहाँ से आई है। क्या क्या पता करना लाला, क्या हमारे लिए ये काफी नहीं है कि वो चाचा जान की बेटी है? क्या कहा आपने दादाजान को? मैंने क्या कहना था, और वो किसी की सुनते ही कहाँ है। बस शाम को घर आने का कहा और फोन बंद कर दिया। लेकिन मैं रात को नहीं आ सकूंगा, बहुत काम है मुझे। भाई के निकाह से ज्यादा जरूरी काम है आपको। तो मेरे भाई की जिंदगी में एक लड़की मुझसे ज्यादा जरूरी हो जाएगी, तो ऐसा ही है। मुराद, मुराद किधर जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। आप? हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आइए बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया आज। ऐसे क्यों कह रहे हैं? नूर मिल गई है मुझे, और उसे अपना बना कर रहूंगा। वो कहाँ मिली आपको? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कहाँ मिली। हाँ सही, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हमसे इतनी बेरुखी तो मत बरतिए। मैं जा रहा हूँ चांद बेगम। दोबारा नहीं आऊंगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप चले जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। दवाइयों वाली बातें मत किया करो, कोई किसी के लिए ही मर जाने किसी और को देना। और अगर हम आपको मर ही दिखाते तो? मैंने कहा I'm not afraid to die.
बेगम, जान बेगम इस दुनिया में नहीं रही हम। बेटा तुम तो नूर को लेने गई थी ना, आई नहीं साथ? जी दादा जान, लेकिन वो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो किसी और कमरे में होगी। नहीं चाचा जान, वो किसी दूसरे कमरे में भी नहीं है। मजाक करिए ना भाभी आप, अभी तो मैं उसके कमरे में गया था, वहीं तो थी। नहीं जावियार, मैं मजाक नहीं कर रही। कमरे में क्या, नूर पूरे घर में कहीं नहीं है। आपने एक तवायफ जादी को इस घर की बेटी का दर्जा दे दिया, मखमल में टाट का पैबंद लगा दिया, इज्जत दे दी उसको, और उसने एक ही ठोकर में आपकी इज्जत, आपकी शान, आन और बान को सर्रा सर्रा कर दिया। चाची अन बस कर दे, खुदा का वास्ते बस कर दे, नूर ऐसी बिल्कुल भी नहीं। कैसी है तुम्हारी नूर? शादी वाले दिन मजाक उड़ा के चली गई तुम्हारा। कहता मेरी नूर ऐसी नहीं है। समझाया था तुझे, इन तवायफों के चक्कर में मत पड़, ऐसी औरतों को घर नहीं लाते। नहीं मुराद, नहीं साव्यार का इसमें क्या कसूर है भाई, ऐसी तवायफें इज्जत से कहां घर बसाती हैं। राम सरकार, क्यों परेशान हो रही हूँ? मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम? ये सब कुछ तुमने किया है? घटिया आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आई मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं? मैंने समझाया था ना, मैंने भी तुम्हें कितना समझाया था कि किसी की नहीं होने दूंगा, मेरा भाई क्यों ना हो? खुदा के लिए छोड़ दो, आज मेरी मेहंदी है, जावेहार सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। करने दो ना, करने दो। क्या कह रहे हो तुम? मुझे भी तो अपना हिसाब पूरा करना है ना तुमसे। तुम्हारे खानदान की इज्जत दो, कुछ तो शर्म। एक तवायफ की बेटी हो जिस पर मेरा दिल आ गया, बस। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। जावेहार, फोन करके पता करो कि नूर घर आई कि नहीं। नहीं, मुराद नहीं आया अभी तक। I'm sorry जावेहार, मैं जानती हूं तुम बहुत परेशान होगे मेरे लिए, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी ये सब कुछ। तुमने मुझे बताने का कभी मौका ही नहीं दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरी ये बात सुनकर धचका लगा होगा, है ना? लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। ये घरदारी, सास नंद के चक्कर मेरे बस के नहीं है। मैंने ये रिश्ते ना कभी देखे और ना इनमें मैं कभी बनना चाहती हूँ। अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन हैं। एक और बात, पैसा मेरी कमजोरी है और तुम्हारे पास तो इतना कुछ है नहीं। सब कुछ तो तुम्हारे लाला मुराद खान का है, तो फिर मुझे तुमसे शादी करने का क्या फायदा? इसीलिए हो सके तो मुझे भूल जाओ और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। मैं मज़ीद तुम्हारा और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। तुम्हारी नौशा।
सबा खोल देना इसको जी। सबा खोल देना इसको, जाने देना। जी सर। खुद भी आगे पीछे हो जाना, शक्ल ना देखे तुम्हें। चलो हो गया काम। ज़ावियर क्या हुआ है? इसका मैसेज है, खैर तो है? बस देख लिया, ये है इसका असल चेहरा और तुम इसके लिए अलकान हो रहे हो। क्या हाल है दादा जान का? ज़ावियर दादा जान कैसे हैं? ज़ावियर कैसे हैं दादा? अक्षत कैसे हैं दादा? I'm sorry जी, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या लेने आई हो यहां? अब क्या तमाशा देखने आई हो? नहीं वो बस कर दो नूर, अपने इन आंसुओं से किसको धोखा दोगी? बाबा जान तो चले गए जो तुम्हारी इस मासूमियत का शिकार हो गए। कत्ल कर दिया तुमने इनको, कातिल हो तुम। दादा जान, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? अपनी मेहंदी की रात घर से भाग गई थी तुम। किसके साथ भागी थी बोलो? बाबा जान को तो यही गम मार गया। तुम खा गई बाबा जान को, दफा हो जाओ यहां से। सलमा जी कितनी उदासी हो गई है। हमें नूर जी को बता देना चाहिए चांद बेगम की फौतगी के बारे में। मेरा यकीन करें बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मेरा यकीन करें।
कह रही हो तुम? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, मेरा, जो तुम्हें इस घर में लाया, तुम्हें इज्जत दी, प्यार दिया, तुम्हें साबित कर दिया कि तुम एक तवाइफ की बेटी हो। कुछ नहीं किया बाबा, बाबा साबिया, 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 आप तो मेरा एतबार करें, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, आप तो मेरा यकीन करेंगे ना, मैं घर से नहीं भागी थी, मुझे अगवा किया गया था। ये झूठ बोल रही है नूर, तुम कब तक झूठ बोलोगी? तुम्हें कौन अगवा कर सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे किसने? तुम्हारे भाई ने मुझे अगवा किया था। मुराद ने? बोलो मुराद, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, बताओ सबको कि तुमने मुझे अगवा किया था। बोलो खुदा का वास्ता, तुम्हें बोलो, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, बताओ सबको कि तुमने मुझे अगवा किया था। देखो साफियर, इस दवाइफ को कोई और चारा नहीं मिला तो इल्जाम लगा रही है तुम्हारे भाई पर। ये इज्जत रह गई मेरे इस घर में। देखा इसको, तुम्हारे बड़े भाई पर इल्जाम लगा रही है, वो भाई जिसने तुम्हें बाप बन के पाला पोसा, तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया, ये इतना गलीज इल्जाम लगा रही है उसके ऊपर। इस लड़की का साथ दोगे तुम? निकालो इसको बाहर, फौरन निकालो। नहीं जावेर, जावेर प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अगर तुम्हें इसकी बात का यकीन नहीं है तो अभी इसी वक्त तलाक दो, वरना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। नहीं 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 जावेर, जावेर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज जावेर, मैं आइंदा इस घर में कभी नहीं आऊंगी, आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मुझे तलाक बोलते हैं। मेरी बात को यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। साबिया, अगर आपने तो कहा था ना कि आप हमेशा मेरा साथ करेंगे, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, प्लीज आप तो मेरा साथ दे। साबिया मेरी बात को यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। साबिया इसको बाहर निकाल, अब कब तक तुम अपने दादा की रूह को तकलीफ दोगे? निकाल के बाहर करो इसको। भाई, इस दवाई में किसे कुछ हो? साबिर ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे अगवा किया था। साबिर मेरी बात का यकीन करे, मैं सच कह रही हूँ। साबिर प्लीज यकीन करे मेरी बात पर। नहीं यकीन मुझे। तुमने मेरा महान, मेरा बर्बाद कर दिया। दादा जान की मौत की जिम्मेदार तुम। मैंने तुम्हारी तुम्हारे साथ ये रिश्ता मजीद का भी रख सकता नहीं। नहीं, शट अप,
मैं तुम्हें नहीं जावे, कभी नहीं जावे। मैं तुम्हें चले सावल आजा जल्दी कर। सलमा जी, नूर जी आ गई। नूर, मेरी बच्ची, मेरी जान। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, पते अभी सावल से यही कह रही थी। क्या हुआ नूर? नूर, 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 क्या हुआ? नूर, सावल, सावल पकड़ो उसे। मैं सावल से क्या हुआ? सलमा जी जल्दी इनको अंदर ले चलते हैं, वरना कोई नया पतंगड़ बन जाएगा। जल्दी कीजिए, चलिए, जल्दी कीजिए। उठाओ उसे, उठाओ, चलिए। नूर, बेटा, होश कर। अल्लाह सब खैर कर। क्या हो गया इसको? ऐसे क्यों हो गई है? से पैसे रह गए, कैसे गुजारा होगा? अरे चंदा, मरने से पहले तूने हमारा कुछ ना सोचा? शब्बो, तू भी मुंह उठा के चली आती है। सितारा बेगम, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाई हूं। क्यों, ऐसी क्या खबर है? यही ना कि सलमा जहां बीमार है और उसकी बेटी की याद छाती है। मेरी तरफ से दोनों जाएं जहन्नुम में। सारा बेगम, नूर जी वापस आ गई हैं। नूर वापस आ गई है? बताओ क्या बात है? ठीक है, नहीं बता रही ना, ना बताओ। मैं खुद वली खान के पास जाकर पूछती हूँ और जाविया से भी बात करती हूँ। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? उससे बात करूंगी, उसकी मिन्नत करूंगी। आखिर ऐसे क्या बात हो गई जब मेरी बेटी को घर से निकाल दिया? अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है अम्मी। क्या साफियार? साफियार ने मुझे तलाक दे दी। अम्मी, मेरी अम्मी ठीक तो है रफ़ा साहब? जी, अब वो खतरे से बाहर है। शुक्र है अल्लाह तेरा। लेकिन लेकिन क्या? आपकी वालदा के दिल में सुराख है। अगर सलमा जहां मर गई तो नूर का हमारे अलावा कोई नहीं होगा, तो फिर हम नूर से जो चाहेंगे करवाएंगे। और बिलफर्ज, अगर वो बच भी गई तो नूर के पास उसके इलाज के पैसे नहीं होंगे, तो लिहाजा चट भी हमारी और पेट भी हमारी। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ देखो वो लोग आए कि नहीं। सावन, Thank you.
मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करूंगी, और उन लोगों ने मुझे दिया ही क्या है सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। अब मुजरा नहीं कर सकती, अब वली खान की औलाद है। औलाद? औलाद होने का गरूर उन्होंने मुझे बख्शा ही कब है, लेकिन मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, या फिर शायद शायद यही मेरा नसीब है। सलमा जी, अगर उनको पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना सब? बस किसी भी तरीके से अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ। तुम वादा करो सावन, तुम मेरा साथ दोगे? मुझे वादे की क्या जरूरत है, सिर्फ ऐसे ही आपके साथ हो। ठीक है, तो फिर कह दो जाकर सितारा जहां से कि नूर ने उनकी बात मान ली। जी ठीक है। ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, तुम्हें देखा तुम्हें चाहा तुम्हें देखा तुम्हें चाहा, कुसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम, चले जी। क्या बात है साहब? मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं। मैंने जावियर साहब को बताने की कोशिश की कि यह सब आपकी मजबूरी थी, आप ऐसी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, जाने वालों को रोका नहीं करते। लेकिन मुझे आप तो जावियर से मोहब्बत करती है ना? मोहब्बत, ये वो लफ्ज है जो हमेशा मेरे लिए तकलीफों का बाइस ही बना है। बुर्जी, आप जावियर से बात क्यों नहीं करते हैं? आपको बताना चाहिए इस बारे में। क्यों क्यों बात करनी चाहिए जावियर से? क्या रिश्ता है उससे मेरा? चाहे वो आज उसने मुझे इस तरह देख ली, वो नफरत करेगा मुझसे। उबैद भाई, उबैद भाई मेरी बात सुने। बस ये देखो, ये सुनो, ये देखो। आप पहले मेरी बात तो सुने। क्या
जिस खूबसूरत आवाज की आपको तलाश थी वो मिल गई है। हाँ, कैसे? मैं रात मुजरा देखने गया था, वही सुनी वो खूबसूरत आवाज। क्या हो गया वसी तुम्हें? ऐसी आवाज ढूंढने के लिए हम वहां जाएंगे? उबैद भाई, कमल का फूल भी कीचड़ में होता है और हीरा भी तो कोयले की कान से निकलता है जिसकी चमक कभी खत्म नहीं होती। वाह भाई, आज तो बड़ी गहरी बातें कर रहे हो। शायद उसी आवाज का असर है। यार मुझे भी अब कुछ तजस्सुस हो रहा है। बस आप मेरे कहने पे एक दफा वहां चले जाएं, आपको मायूसी नहीं होगी। तुम्हें क्या मसला है? ये तो एक तवायफ है। तवायफ से पहले ही एक औरत है, चाहे वो तुम्हारे घर में हो या इस कोठे पे। हर औरत की इज्जत करना हमारा फर्ज है। तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। जी जी, मुझे पता है, आज तो आपकी भूख और नींद दोनों ही उड़ चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम है मुझे। जरूरी काम? और इस वक्त घर में दुल्हन आई बैठी है और तुम्हें जरूरी काम याद आ गया? तो क्या आज के बाद ये गल नहीं होगी? कहा ना, जरूरी काम है, आप सब लोग हैं इसके पास। भाभी, जावियार कहाँ गए? तुम फिक्र ना करो, अभी आ जाएगा। तुम्हारे सामने ही तो कह रहा था कि एक जरूरी। क्या कीमत लगाई है आपने मेरी इज्जत की? बोलिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलतियां तो मैंने भी बहुत सीखी हैं, एक और से। और अभी ये बाहर क्या कह रहे थे आप कि औरत की इज्जत बहुत जरूरी है, चाहे वो कोठे पर बैठी तवाइफ ही क्यों ना हो? ये इज्जत दी है आपने मुझे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आपका दिल आ गया मुझ पर? और बाहर उस गाहक से जो आप बातें कर रहे थे, जुमलेबाजियां की आपने, आपको क्या लगता है ये सब कुछ करके आप मेरा दिल जीत लेंगे? गलत फहमी है आपकी, यहां सब कुछ बिकता है लेकिन किसी का दिल नहीं, समझे आप? बस बहुत कह लिया आपने। ऐसा कुछ नहीं चाहता जैसा आप समझ रही हैं। मैं आपसे बात करने आया था लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त मौजू नहीं है आपसे बात करने का। एक औरत को इज्जत कैसे दी जाती है मैं जानता हूं। मैं फिर कभी आऊंगा। अगर मैं आपकी दिल आजारी की है तो मैं माफी चाहता हूं। साहब यार,
कहाँ रह गए हैं आप? कितनी शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका, कितनी सारी बातें करनी है मुझे आपसे। अरे बुशरा, तुम बाहर क्यों आ गई? क्या करती भाभी अंदर, बैठे बैठे बोर ही होना था। क्यों, जावेर नहीं आया अभी तक? नहीं। एक तो ये लड़का भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, मैं अभी से फोन करती हूँ। किसे फोन करने की बातें हो रही हैं? वो जावेर अभी तक नहीं आया, बुशरा परेशान हो रही थी, उसी को फोन करने की बात करी। अच्छा अच्छा, नहीं कोई परेशान होने की जरूरत, मैं करता हूँ, तुम जाओ। लेकिन मैं कहा ना जाओ, तुम ज्यादा समझदार ना बना, जाओ मैं देख लेता, अम्मी जान बुला रही है तुम्हें, जाओ। ओह, ये ट्रे रखना तो मैं भूल ही गई। अच्छा किया लाला आप आ गए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। क्या हो गया बच्चा, परेशानी की क्या बात है? अब तो तुम्हारी जावियार को परेशान करने के दिन आ गए हैं, खींच के रखना है उसको। अच्छा शौहर है तुम्हारा? वो भी आप ही के भाई हैं, कहाँ रोब रहने देंगे मेरा। अब जावियार को कॉल करें ना लाला। आ जाएगा आ जाएगा, तो फिक्र क्यों करते हो, मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। आपको पता है वो कहाँ है? कहाँ जाना है उसने, वो नूर के गम में निराल फिर रहा होगा, आ जाएगा। लाला हम दोनों ने नूर को जावियार से दूर तो कर दिया है, लेकिन उसकी याद कैसे निकालेंगे हम उसके दिल से? जैसे नूर को उसकी जिंदगी से निकाला है, वैसे यादों को भी निकाल देंगे। फिक्र मत करो, बस इस मसले का जिक्र मत किया करो कि हमने अगवा किया उसको। रात को मिलने पर पाबंदी है, दिन को तो मिल सकता हूँ ना मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही थी, शर्मिंदगी तो मुझे है। कैसे आना हुआ? मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मुझे एक खूबसूरत आवाज की तलाश थी, वो आवाज मुझे मिल गई। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे? दूर में चाहता हूं कि आप गाएं, लेकिन यहां नहीं, आप मेरे लिए गाएं, टीवी के लिए। मैं चाहता हूं आपकी खूबसूरत आवाज सब सुने, आप मशहूर हो, आपको इज्जत मिले। रात के बाद मैं समझ गया हूं कि आप इस जिंदगी से खुश नहीं हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, आप खाना खाएं, दुनिया आपकी आवाज सुनेगी, आपको बहुत शोहरत मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी तो पहले ही बदल चुकी है, अब और क्या बदलेगी? नूर आप एक बार सोचिए, आप सिंगर बनेंगी तो। अरे अरे उबैद साहब, ये आप क्या इतनी पट्टियां पढ़ा रहे हैं हमारी मासूम और भोली भाली नूर को? बस हमने तो आज तक किसी को मशहूर होते हुए नहीं देखा। लेकिन नूर जहान मशहूर होगी, आपको अंदाजा नहीं कि इसकी आवाज में कितना चादर है। आप मुझे बताइए इसकी आवाज की क्या कीमत लगाती हैं? उबैद साहब, कहिए सितारा जान, क्या कीमत लगाती हैं? अब कम से कम भी 5 लाख रुपए। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपने बहुत कम कीमत लगाई इसकी आवाज की, कल आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप नूर के रास्ते में नहीं आएंगे। आप मेरे स्टूडियो में आके गाने की तैयारी कीजिए। मैंने जो बात पूछी है नूर, बताओ मुझे, बताओ मुझे, रात
अली का उस घर से क्या रिश्ता? हिंदी वाली रात मुझे फिराद अली खान ने अगवा किया था। क्या अगवा कर लिया था? तो फिर वो मुराद अली वहां क्या कर रहा था? अली खान से क्या ताल्लुक है उसका? वो जावियार का बड़ा भाई है अम्मी। जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सबकी मिन्नतें की, सबको कहा कि मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये सब कुछ उस मुराद अली खान ने किया था। मैंने ये बात सबको बताई अम्मी, मगर कोई नहीं माना, किसी ने यकीन नहीं किया मेरा। और वो साविया जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, उसने भी मेरा एतबार नहीं किया। और अप्पू जिनकी मैं बेटी थी, उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी अम्मी। उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। बताएं इसमें मेरा क्या कसूर? क्या कसूर है मेरा? मेरी बच्ची, मेरी जान, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं अम्मी, मैंने बड़ी कोशिश की अपनी बच्ची की किस्मत बदल दो, पर मैं तुझे कोई खुशी नहीं दे सकी बेटा। आपने कुछ नहीं किया अम्मी, कोई खुशी नहीं दे सकी। मैं हार गए तेरी माँ, हर के नूर। नहीं आपका कोई कसूर नहीं, तेरे नसीब के आगे हार के। रुचि, सलमा जी, क्या हुआ? सलमा जी, क्या हुआ? सलमा जी को क्या हुआ? सलमा जी, सलमा जी, अम्मी आ गए, सलमा जी, क्या? अम्मी, सलमा जी, हाय भाई, क्या हो गया? सलमा जी आई खोलिए, सलमा जी, अम्मी, हाय भाई, क्या हो गया? वो दुनिया में नहीं है। सलमा जी क्या हो गया? अम्मी, जावियार कहां थे आप?
मैंने सवाल किया आपसे, आप कहाँ थे? मेरा इस कमरे में आने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन क्यों जावियर, आज तो हमारी शादी की पहली रात है। शादी तुम्हारी हुई है, मैंने इसे समझौता किया और समझौते पे खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से हाँ की थी। मर्जी, मर्जी और खुशी तो अब मेरे लिए बेमानी हो चुकी है। वैसे यूनिवर्सिटी की आती तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। एनीवे, सो जाओ। में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन जावियर, ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम जैसा सोच रहे हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। हाँ भाई, क्या बातें हो रही देवर भाभी में? वो मैंने खाना रखा हुआ चूल्हे पे, मैं जरा देखकर आती हूँ। और भाई क्या हाल है जावियर खान? सब ठीक है, खुश हो ना? अच्छा जावियर खान, मैं सोच रहा था कि तुम उसको कहीं बाहर ले जाओ घुमाने फिराने। क्या होता है हनीमून, हनीमून पे? मैं फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छी है यार, खुश हो जाएगी, बड़ा दिल है उसका। तो भेज दें आप उसको, मुझे तो कोई मसला नहीं। ऐसी बात करते हो यार, बीवी है तुम्हारी, तुमको रहा क्या उसका? जानता हूँ और कई दफ़ा सुन भी चुका हूँ। भाभी का भी तो आप पे बहुत हक है, उनको तो आप आज तक नहीं लेके गए कहीं। आखिर वो भाई हूँ आपका, आपके नक्शे कदम पे ही चलूँगा। बुशरा को समझा दीजिएगा, शादी कर ली है उससे मैंने, यही काफ़ी है। अब ये चौंचले बर्दाश्त नहीं होंगे मुझसे। आई एम सॉरी, मेरी एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आ गई थी। ये आपके ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा है? पापा ये देखें, नूर आंटी ने मेरा मूड बिल्कुल ठीक कर दिया।
Oh, that's very nice. आपने thank you कहा? Thank you. चलिए जाएं बैठो. उमेर अपनी मामा के जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करता है. इनकी मामा. आप यही पूछना चाह रही हैं कि मेरे छोड़कर क्यों चली गई वो? दरअसल उसे किसी और से प्यार हो गया था. मैं उसको रोक तो सकता था लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा. I'm sorry. छोड़ इन बातों को. आप बताएं क्या पीने, चाय कॉफी एनीथिंग? नहीं कुछ नहीं वैसे. हाय व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं वो गुलूकारा जिनकी आवाज ने अपना जादू जगाया और हर जगह इनके गानों ने धूम मचा दी. और वो गुलूकारा हैं नूर जहां. कैसी हैं आप नूर? मैं ठीक हूँ. ये कैसे हो सकता है? आप आई और छा गई. कैसा लगता है जब लोग आपके गानों को इतना पसंद करते हैं? ये तो उन सब लोगों का प्यार है जिन्हें मेरी आवाज पसंद है. ये नूर नहीं हो सकती. आपको पता है मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग यूरोप ट्रिप पे चले. मैं आज ही लाला से कहती हूँ कि हमारी टिकट्स करा दें. हम शादी के बाद कहीं नहीं गए ना? नहीं मैं अभी कहीं नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकते जावियार? देखो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता. तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो? इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज. आपकी आवाज में इतना दुख है. कभी आपने मोहब्बत की? मोहब्बत? ऐसी किसी चीज की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है. अरे लगता है कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका. आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके तो बहुत चाहने वाले होंगे. शादी कब तक करेंगे आप? जब कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मेरी जिंदगी को बदल दे. अच्छा नूर, आप ये बताएं किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या होती है? मेरा ख्याल है कि एतबार और भरोसा. क्या हो रहा है? देख रही हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी कामयाबी हासिल की है. कितना अच्छा लगता होगा ना आपको? जिंदगी ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ दे दिया. अब वही एक लम्हा गुजारना सीख रहे हैं. कभी बेतहाशा हंसते हंसते आंखें भर आती हैं. कभी हंजू में तनाव महसूस करता हूं. लगता है काफी गहरी चोट खाई है आपने.
कभी कभी सोचता हूँ लायल में कितनी बड़ी नेमत है, आ गई तो सिर्फ इस तरह है और कुछ नहीं। जैसे जैसे पर्दे गिरते जाते हैं चेहरे दिल से उतरते जाते हैं। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप, दिल चाहता है कि आपकी बातों को सुनते ही रहे। तो आप अपने दिल की बात क्यों नहीं मान लेते जी? ये क्या है? आपकी अमानत। हमारे प्रोड्यूसर साहब को आपकी आवाज इतनी पसंद आई है कि वो अपनी फिल्म के तमाम गाने आपसे गवाएंगे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे मुताबिक तो ये बहुत कम है, पर ये क्या, आप इससे ज्यादा के मुस्तहिक हैं। आप पे कोई एहसान नहीं है, मेरा तो फर्ज था, बल्कि एहसान तो आपने मुझ पे किया मेरी तन्हाई पर। अच्छा, अगर आप अपना शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो आप मुझे खाने पे ले जाएं। जरूर, क्यों नहीं। बहुत खुश हूँ जाव्यार, आप ऐसे मेरे साथ बाहर आए आज। आज तो हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। देखिए ना, क्या ऑर्डर करना है आपको? कर दो। बताइए ना, हेल्प करें, क्या ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। आपको तो मूड ही नहीं लग रहा, आप डिसाइड कर लें, जब तक एक फोन कॉल कर लो। अम्मी को बताती हूँ हम बाहर आए। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, कैसी हैं? हाँ, वो जाव्यार मुझे बाहर लेके आए हैं। हम किसी और होटल में चलें? चलो, बड़ी अच्छी जगह है। जी, लेकिन कहीं और चले जाते तो? आपको ये जगह पसंद नहीं? आपने तो खुद ही आने को कहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस नूर, आप मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे। जी, कहिए। पहले आप मुझसे वादा करें कि आपका जो भी फैसला हो, आप जो कुछ कहेंगे, हमारी दोस्ती खराब नहीं होगी, इसी तरह रहेगी हमारी दोस्ती। बिल्कुल, लेकिन आप बात तो बताएं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों चलते हैं? अरे जाव्यार। अच्छा,
हेलो, कैसी हो सितारा जहां? अभी तक नाराज हो? तुम्हें हमारी नाराजगी से फर्क पड़ता तो मनाने ना आते। तो सितारा जहां, मैं जानता हूं तुम्हें चंदा के मरने का अफसोस है। आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी तुम्हारी? कोई कमाने वाला तो है नहीं। तुम हमारी फिक्र मत करो, हमें तो चंदा से भी ज्यादा अनमोल हीरा मिल गया। उसकी तो धुन सुन रहा हूं। क्या कीमत है तुम्हारे सिरे की? एक बात याद रखना, आज नूर वहां है तो सिर्फ मुराद अली खान की वजह से। ठीक है ठीक है, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। सोचना क्या है? ब्लैंक चेक लेके आ रहा हूं, अपनी मर्जी की कीमत भर लेना। मुझे मुझे मंजूर है, लेकिन देखो किसी और को पता ना चले। उफ, सितारा जहां, किस्मत बन गई तुम्हारी। अरे सावल, तुम सोए नहीं अभी तक? नूर जी, जब तक आप नहीं आएंगी तो सावल कैसे सो सकता है? भला सलमा जी होती थी तो आपका कितना ख्याल रखती थी, इतनी फिक्र करती थी आपकी। अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अच्छा, मैं आपके लिए खाना नहीं करा रहा। अरे नहीं नहीं, मैं खाना खा कर आई हूँ। इतनी प्यारी अंगूठी ये आपने आज ही खरीदी है? उबैद ने दी है ये अंगूठी मुझे। उबैद ने? मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। नूर जी, आपने क्या जवाब दिया? सोच रही है नूर जी, बताइए ना। नूर जी, हमने बताया नहीं, क्या जवाब दिया आपने उबैद को? हाय, तुम भी कितने भोले हो सावल। उबैद ने अंगूठी दी और नूर ने पहन ली, इसका मतलब है नूर ने हाँ कर दी। मुबारक हो हमारी जान, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम इस कोठे की मिल्कियत हो। हम तो ये शादी होने नहीं देंगे। मैं इस कोठे की नहीं, ये कोठा मेरी मिल्कियत है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जगह मैं खरीद चुकी हूँ और यहाँ पर रहने वाले मेरे एहसानमंद हैं। अगर नहीं तो मैं उन्हें बाहर निकाल करूँगी। और हाँ, शादी मुझे करनी है या नहीं करनी, ये मेरा मामला है और आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे मामले में बोलें। समझ तो गई होंगी आप। चलो सावर। कौन जाएगी फकर? जिंदगी हराम की, हराम मेरी बातें सुनती है? जीना हराम किया तूने? जीना हराम आपने किया मेरा। मैं तो समझती थी कि आप सिर्फ मुझे ही धोखा दे रहे हैं, लेकिन आपने तो अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। कृपाल चला तूने जाने? चलाऊंगी मैं सबर। तक गई मैं आपके रोज रोज के करतूत देखकर।
अरे आपसे बेहतर तो वो गिद्ध होता है जो अपने शिकार के मरने का इंतजार करता है। शर्म आती है मुझे आपको अपना शिकार के। मैं तेरी जान नहीं निकाल देता तेरी शर्म से मेरे। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? बकवास कर रही है, चूड़ी है मकान वाला। भद की दान मैं हूँ या आप? आपने तो अपने भाई की बीवी का घर ही छोड़ा। बकवास कर रही है। लाला, बीवी, क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं साहब। नूर को किसी हाल में नहीं, इस हाल में तुम्हारे अपने सगे भाई ने अगवा दिया। तुम्हारे देखे घर से निकाल दो। मैं रहना भी नहीं चाहती तुम जैसे घटिया इंसान के साथ जो सिर्फ लुटेरा है। तू ऐसे अपनी पुत्री के सर पे हाथ लेके कदम से, मैं भी आ सकता हूँ। देखे कौन सच बोल रहा है। देखा झूठ बोल रही है, देखा झूठ बोल रही है। क्या कर रही हो? चौथे को कहीं समझाओ उसको, उसकी बात यकीन नहीं आना चाहिए इसको। चौ वली खान साहब, आप कैसे तशरीफ ले आए यार? लाला जान, तुम मुराद अली को जानती हो या नहीं? हम मुराद अली को जानते हैं या नहीं ये हम आपको क्यों बताएं? बताओगी? जरूर बताओ। ये लो, अब बताओ। मुराद अली हमारे बहुत पुराने ग्राहक और उनके आशिक भी, इसलिए तो सलमा जहां ने मुझको आपके पास भेजा था। सलमा ने तो कभी जिक्र नहीं किया आपका, ना ही नूर ने। अब ये तो हम नहीं जानते, मगर जो सच था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने सलमा से मिला है। सलमा जहां भी इस दुनिया में नहीं है। नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हो तुम, बताओ। हम क्यों झूठ बोलेंगे? अपने गिरेबान में झांकिए, आपने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए हमारी बहन को, और उससे तो उसे उसकी बेटी को भी दुखों की भट्टी में झोंक दिया। कभी ख्याल आया उनका? अफसोस कि औरों की तरह आपने भी मुझसे नजरें फेर ली, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ तवाइफ थी। इसमें मेरा और मेरी माँ का क्या कसूर था? क्या मैंने और मेरी माँ ने अपनी अपनी पसंद से इस जिंदगी को चुना था? लेकिन हाँ, आप जैसे लोगों ने हमें तवाइफ बनाया है नूर, और आप जैसे शरीफ लोगों को यहां आना जेब नहीं देता। जाइए यहां से। यहां कोई सलमा नहीं है और ना ही आपकी कोई औलाद है। जिसे आपने ठुकरा कर अपनाया और फिर ऐसा गिराया कि वो खुद से भी आंखें ना मिला सके। नूर, एक बार, आखिरी बार मुझे माफ कर दो। बेटी होने के नाते तो शायद मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन मैं उन आंसुओं को कभी माफ नहीं करूंगी जो आपकी वजह से मेरी मां की आंखों में आए थे। चले जाए वापस अपनी उस शरीफाना जिंदगी में आप,
पापा का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी राह देखने वाली मर चुकी है, मर चुकी है, कोई नहीं आपका यहाँ। आप जा सकते हैं यहाँ से। हेलो मुराद जी। अरे वाह, आज हमारी याद कैसे आ गई सितारा जान। मुराद जी बस आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। क्यों, क्या हुआ? मुजरा करने से इनकार कर दिया उसने। अरे नहीं मुराद जी, नूर शादी कर रही है। शादी? किससे शादी कर रही है? कोई नया मुर्गा फंसा लिया? अरे नहीं, मुर्गा नहीं है, बहुत बड़ा मौसीकार है। नूर पर ऐसा लट्टू हुआ है कि उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। हमें आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुर्गो पहले से जानते हैं, जो सब कुछ आपने नूर के साथ किया वो मेरे लिए नहीं था। उसमें असल में आपका फायदा था। ठीक समझा तुमने। नूर को हवा मैंने अपने फायदे के लिए किया था। उस रास्ते में तुम आ गई और जावियार से शादी के लिए मुझसे मदद मांग ली। मैंने सोचा क्यों ना एक तीसरे दो शिकार करूं। बहलाला, आपने तो कानों कान इसको पकड़ तक नहीं बोली थी जो आप नूर को पहले से जानते हैं। मैं तो ऐसे ही इतना अरसा खुद को आपका एहसान मंद समझती रही, जबकि तो असल में मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? और मसला क्या है? तुम्हें जावियार चाहिए था, मुझे नूर। बस किसी भी तरह उसके कमरे में जाना था, वो तुमने मदद कर दी। अब हो गया ना सब कुछ? अब मैं समझी, आपका नूर का हाथ पकड़ना, नूर का डरा हुआ सहमा हुआ रहना, जावियार आप मुझे क्या जरूरत था मेरा? यार मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा। नहीं, मेरे बड़े भाई हैं आप। आज के मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मेरा आपसे बड़ा है। प्लीज मेरी
बात सुने। नहीं बुशरा, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। नवीन प्लीज ऐसा मत कर। मैं जाविया अली खान हूँ, पूरे होश आवास में। कमाल किस्मत है तुम्हारी नूर, तुम्हारी हर खुशी को तबाह करने की जिम्मेदारी कुदरत ने मुझे दी है। मैंने कहा था ना तुम मेरी हो, और अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी का होने भी नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो, नूर से मेरा निकाह हो गया और मेरी बीवी है यह, अब तुम्हारी बेवा बन जाएगी। इसका बहुत ख्याल रखूंगा। आप सुबह सुबह उठ के मुझे तो पता ही नहीं चला। नाश्ता बनाना था, सुबह उठकर नमाज भी तो पढ़नी होती है। यही आप दूसरों से मिलकर इनकी यही बातें तो इन्हें दूसरों से मुनफरद करती। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पे फैली उदासी और पछतावा बता रहा है। लेकिन वो अब यहां नहीं जिसकी तलाश में तुम आए। नूरिया नहीं, वो जा चुकी है, उसे जाना ही था। मैं मना लूंगा उसे,
बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, बहुत ज्यादा मोहब्बत की जाती है, मिलती नहीं। आप मुझे उसका पता बता सकती हैं? कैसी है तुम? बहुत प्यारा घर है तुम्हारा, वेरी नाइस। बहुत मुबारक हो तुम्हें नूर। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारी कामयाबी देखी ना, तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में क्या आया था भला? मैंने सोचा था कि तुम हो ही बहुत खास हो, और तुम ये सब डिजर्व करती थी, बहुत खास हो तुम। नूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका, मुझसे गलती हो गई थी बहुत बड़ी। नूर क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकती हो? मैं जानता हूं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन तुम एक बार माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया, आप यहां से जा सकते हैं। मैं तुम्हारी बेरुखी को समझ सकता हूं, मैं इससे भी बड़ी सजा का मुस्तहिक हूं, मुझे पता है, लेकिन एक बार तो सोचो नूरा, मैं मोहब्बत की थी मुझसे, मोहब्बत मोहब्बत लफ्ज के मायने जानते हैं आप साव्यार साहब? मैं रोमिया मिली हूं वही जान सकता है, वही जान सकता है कि झूठी तसल्लियां और जबानी हौसला कुछ नहीं होता। और बहुत से रिश्तों को परखने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूं। जरूरत ही सब कुछ होती है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। नहीं, नहीं। तू कैसे कह सकती हो ये? हमने मोहब्बत की थी एक दूसरे से, साथ जीने और मरने के वादे किए थे नूर। नहीं
से बात करो, उसे समझ नहीं आ। मेरी बात सुनो, तुम सब कुछ भुला दो, तुम सब कुछ भुला दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? क्या वो वक्त वापस लेकर आ सकते जब तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया था? जावियर साहब, नूर कब की मर चुकी है जिसे आप जानते थे? और ये नूर, ये तो किसी जावियार को जानती तक नहीं है। नूर, खुदा का मरता ऐसा ना करो, मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता जावियार, देख लो मैं जिंदा हूं तुम्हारे सामने। लेकिन हाँ, जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब लोग हमारे दिल में होते हैं, हमारी जिंदगी में नहीं। हमारी दुआओं में होते हैं लेकिन हमारे नसीब में नहीं। यही समझ। मिली थी कोई नूर तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हारे नसीब में नहीं। अरे आप आइए ना, इनसे मिलिए। ये है मेरे हस्बैंड उबैद, उबैद ये है मेरे कजन जावियार अली खान। आपसे मुझे बहुत खुशी है। तो कभी बताया नहीं था कि तुम्हारा कोई कजन था? जी, मैं चलता हूँ। नहीं, आप प्लीज चाय तो पियो। नहीं, जाने दे इन्हें, अभी इन्हें काफी दूर जाना है। तुम चले डिनर पर ही चलना। तुम ऐसे करो कि तुम तैयार हो जाओ, मैं भी जरा फ्रेश हो जाता हूँ। ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू, तुम्हें देखा तुम्हें चाह कुसूर इसके सिवा क्या है। जावियार, सफेद चीज से डर लगता है। क्या? तुम्हें कौन है सो?
जावियर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज जावियर, मैं अंदाज करने कभी नहीं आऊंगी, आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मुझे तलाक मत दे जावियर प्लीज। मैं तुम्हें तलाक